नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल Brain360 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये सभी प्रश्न उत्तर करंट अफेयर्स पर आधारित हैं। अगर आप दोस्तों किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आप इन 25 में से आपने इनमें से कितनों का सही जवाब दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है? रामनाथ गोविंद, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली या मीरा कुमार? इसका सही जवाब दोस्तों प्रणब मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दो, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने महिलाओं के अगले फुटबॉल विश्व कप में टीमों की संख्या 24 से बढ़ाकर कितने करने की अनुमति दे दी है? 40, 30, 35 या 32? इसका सही जवाब है 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीन, किसे इस वर्ष वीर चक्र से सम्मानित किया गया? विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, कैप्टन सौरभ वर्मा, विंग कमांडर JS वर्मा या कैप्टन सुरेश तिवारी? इसका सही जवाब है दोस्तों विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चार, किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? श्वेता सिंह, नगमा शहर, रजत शर्मा या रविश कुमार? इसका सही जवाब है दोस्तों रविश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांच, भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है? आर डी बर्मन, भूपेन हजारिका, किशोर कुमार या आनंद बख्शी? इसका सही जवाब है भूपेन हजारिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छह, विधानमंडल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा नया केंद्र शासित प्रदेश होगा? पांडिचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख या जम्मू? इसका सही जवाब है दोस्तों लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सात, भारत में जन्मी तथा इंग्लैंड में बस चुकी किस युवती को मिस इंग्लैंड 2019 के खिताब से नवाजा गया है? भाषा मुखर्जी, तान्या शर्मा, मोनिका जैन या नेहा नारायण? इसका सही जवाब है दोस्तों भाषा मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आठ, किस राज्य सरकार ने 9 साल की लड़की एलेंगबाम मेलेटिना को राज्य का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान या त्रिपुरा? इसका सही जवाब है दोस्तों मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नौ, गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? बिहार, गुजरात, पंजाब या केरल? इसका सही जवाब है दोस्तों बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा खोजे गए बोनी तारे और ग्रही प्रणाली का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिए, TOI 272, TOI 275, TOI 270 या TOI 278? दोस्तों इसका सही जवाब है TOI 270। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 455, 453, 454 या 450? इसका सही जवाब है 453। भारत में 453 भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से पहले किस देशभक्ति गीत को रिलीज किया गया है? वतन, आजादी, मेरा देश या हम साथी? इसका सही जवाब है दोस्तों वतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, किस देश ने पुरुष संरक्षण की अनुमति के बिना महिलाओं को यात्रा की इजाजत दी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान
या सऊदी अरब? इसका सही जवाब है दोस्तों सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य की पुलिस ने स्वचालित मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली अपनाई है? महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या पंजाब पुलिस? इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, विश्व हाथी दिवस या वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त या 10 अगस्त? इसका सही जवाब है दोस्तों 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, फोर्ब्स पत्रिका की खेलों में सबसे अधिक भुगतान वाली महिलाओं की सूची में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, मारिया शारापोवा या नाओमी ओसाका? इसका सही जवाब है दोस्तों सरीना विलियम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने एक सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, उसे क्या नाम दिया गया है? GJ 353D, 355D, GJ 356D, GJ 357D। दोस्तों इसका सही जवाब है GJ 357D। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक बन गया है? भारत, चीन, पाकिस्तान या अमेरिका? इसका सही जवाब है दोस्तों भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी का निर्माण किया है? आईआईटी चेन्नई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी खड़गपुर? इसका सही जवाब है दोस्तों आईआईटी चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन या सचिन तेंदुलकर? इसका सही जवाब है दोस्तों विराट कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 की तरफ, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 की तरफ, 3 तलाक देने वाले पति को अधिकतम कितने साल की सजा और जुर्माना हो सकता है? 3 साल, 5 साल, 7 साल या 6 साल? इसका सही जवाब है 3 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने महिलाओं के अगले फुटबॉल विश्व कप में टीमों की संख्या 24 से बढ़ाकर कितने करने को अनुमति दे दी है? 30, 35, 32 या 33? इसका सही जवाब दोस्तों 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, वर्ष 2019 का संस्कृत दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त, 14 अगस्त, 17 अगस्त या 15 अगस्त? इसका सही जवाब है दोस्तों 15 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, किस राज्य ने हाल ही में ओनर किलिंग और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानून बनाया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान? इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।